नमस्कार। श्री राम जन्म भूमि मंदिर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कुछ ही दिनों में इस पर फैसला हो जाएगा। एक तरफ हिंदू पक्ष है जिनका दावा है कि श्री राम के जन्म स्थल पर एक भव्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष है जो ये दलील दे रहा है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। सच्चाई क्या है ये सामने लाने के लिए ओपिनियन पोस्ट कुछ सबूत पेश कर रहा है, जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि अयोध्या में एक भव्य मंदिर था। जो इतिहासकार, एक्सपर्ट्स, पत्रकार और सेक्युलर नेता अब तक ये कहते आए हैं कि अयोध्या में श्री राम का कोई मंदिर नहीं था, उन्हें इस रिपोर्ट को देखना चाहिए। अयोध्या राम की जन्मभूमि है, ये आस्था का विषय नहीं है। एक भव्य राम मंदिर को तोड़कर अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई गई, ये कोई अफवाह या भावना की बात नहीं है। ये दावे साइंटिफिक एविडेंस पर आधारित है। अयोध्या में राम मंदिर के सबूत हैं, ये एक सच है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से अयोध्या में दो बार खुदाई की। आर्कियोलॉजिस्ट के सामने दोनों बार एक ही सवाल था, क्या मस्जिद के नीचे मंदिर है या नहीं, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई या नहीं। श्री राम जन्मभूमि परिसर में पहली बार 1977 में खुदाई हुई और दूसरी बार 2003 में। दोनों बार खुदाई के वक्त एक अंतर था। जब पहली बार खुदाई हुई तो विवादित जमीन पर बाबरी मस्जिद खड़ी थी, और दूसरी बार जब खुदाई हुई तब बाबरी मस्जिद का नामो निशान नहीं था। 42 साल पहले अयोध्या में हुई खुदाई में क्या क्या मिला, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उस वक्त ASI के चीफ थे प्रोफेसर बी.बी. लाल, जिनकी निगरानी में पूरी खुदाई हुई। इस टीम में ASI के अफसर K.K. मोहम्मद भी थे। 1977 की खुदाई के दौरान ASI की टीम को एक दो नहीं बल्कि पूरे 14 पिलर मिले। सारे पिलर मंदिर के थे, लेकिन इन पर बाबरी मस्जिद खड़ी थी। काले पत्थर के इन पिलर्स पर हिंदू पूजा पद्धति के चिन्ह भी साफ दिखाई दे रहे थे। आप भी ध्यान से देख लीजिए, इन पत्थर के पिलर्स पर मूर्तियां भी हैं। 1977 में मस्जिद के बाहर पिलर बेस मिले जो एक लाइन में थे, बराबर दूरी पर थे। इस तरह के पिलर बेस और उनकी संरचना मंदिरों में मंडप बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। चूंकि उस वक्त बाबरी ढांचा खड़ा था, इसीलिए ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये पिलर बेस कहां तक जाते हैं। इस खुदाई से एक बात तो साफ हो गई कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, लेकिन देश के वामपंथी इतिहासकारों ने सबूतों को नहीं माना और एक झूठा आरोप लगा दिया कि मस्जिद के पास खुदाई के दौरान कोई पिलर नहीं मिले हैं, इन पिलर्स को बाहर से लाकर वहां रखा गया है। वामपंथी इतिहासकारों और मुस्लिम पक्ष की दलीलों में जरा भी दम नहीं है, क्योंकि मंदिर परिसर में मिले सारे सबूत साइंस की कसौटी पर खरे उतरे हैं। ये सबूत चीख चीख कर बता रहे हैं कि एक भव्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर है, इसके सबूत तो 1977 में ही मिल चुके थे, लेकिन देश की सेक्युलर पार्टियां और मुस्लिम संगठनों ने ये अफवाह फैला दी कि खुदाई में कुछ नहीं मिला है। देश के सारे वो लोग जो खुद को पढ़ा लिखा समझते हैं, उन्होंने भी ये यकीन कर दिया कि मस्जिद के नीचे कुछ नहीं है। लेकिन 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब फिर से खुदाई के आदेश दिए तो इस खुदाई में क्या क्या सबूत मिले, वो दिखाते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।